चलो। क्या हुआ सना, तुम्हारे पैर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई? हाँ यार, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी ट्रैकिंग में तो ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती ही रहती हैं ना। अरे यार, मेरा तो ये खूबसूरत जगह छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा शहर। पर चलना तो पड़ेगा ना, हम लोग जिंदगी भर तो यहाँ रुक नहीं सकते। अब जल्दी चलो, नहीं तो बस छूट जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है यार, ना कोई बस ना कोई आदमी। हाँ, कितना सन्नाटा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, हम हैं ना सब। क्या हुआ? यहाँ पर बस के टाइमिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है यार। अब क्या करें? चलो उससे पूछते हैं। अरे बॉस, ये अगली बस कब जाएगी? अब बस नहीं आएगी। नहीं आएगी मतलब? आखिरी बस चली गई है, अब कोई बस नहीं आएगी। अरे कल सुबह के पहले कोई तो बस आएगी ना, आप सिर्फ हमें बस जाने का टाइमिंग बताइए। कल सुबह के पहले और कोई बस नहीं है, जाओ जाओ, चले जाओ वापस। मैं तुम लोगों से कह रहा था ना कि कल ही यहां से वापस चलते, बस के टिकट्स भी थे हम लोग के पास, लेकिन तुम लोगों को यहां पर एक और दिन रुकना था, अब भुगतो। अरे तू क्या रोता है यार, हम लोग एक और दिन यहां पे रुक जाते ना, तू टेंशन क्यों लेता है? यहां से 1 किलोमीटर दूर एक ढाबा है, इन झाड़ियों के पीछे। चलो फिर उस ढाबे पे ही चलते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहां से सीधा शहर जा रहा हूं। अरे कैसे जाएगा यार, सुबह के पहले कोई बस नहीं है। तो कोई लिफ्ट मांग लूंगा यार, लेकिन कल सुबह से पहले मेरा शहर पहुंचना बहुत जरूरी है। देखो मेरा पैर तो बहुत दर्द कर रहा है, आई डोंट थिंक मैं इतना ज्यादा वॉक कर पाऊंगी। तो तुम लोग नहीं आ रहे हो, ठीक है, तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अकेला ही जा रहा हूं। अरे अरे सुन यार, राहुल राहुल, अरे तू कैसा दोस्त है यार। अरे बॉस, लिफ्ट 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 लिफ्ट, अरे मुझे भी साथ में ले चल यार। लिफ्ट 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 लिफ्ट, ये भी नहीं रुक, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। लगता है मैं अकेला पागल नहीं हूं यहाँ पर, ये एक और है लिफ्ट की तलाश में। अरे बॉस 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 बॉस, तुम भी शहर की तरफ ही जा रहे हो ना, यहाँ पर लिफ्ट मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे तो इतनी देर हो गई है कि। तो बस में चले जाओ। बस में? आखिरी बस कब की निकल चुकी है, अब कल सुबह से पहले कोई बस नहीं है। और क्या है ना कि मेरा सुबह से पहले शहर पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये पूरे रास्ते। एक बस और भी है। एक बस और? कहां? मैं अभी तो यहां पीछे से आया, कोई लिफ्ट मांग रहा था कोई। अरे बॉस रुको, अरे उस बस का पता तो बताते जाओ। अरे बॉस बॉस, अरे बॉस बॉस, अरे रुको मैं भी आ रहा हूं यार, मुझे भी तो वही बस पकड़नी है। अरे ये कहां चला गया? अरे यार मुझे भी साथ ले जाता, मुझे भी वही बस पकड़नी थी। यहां तो आने जाने का रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या, घने जंगल में इतनी रात को राशन की लाइन लगी हुई? अरे कहीं वो बस यहीं से तो नहीं जाने वाली? अरे अरे बॉस, तुम्हें कितनी आवाजें थी, तुम रुके ही नहीं यार। हेलो
अच्छा छोड़ो, वो बस यहीं से जाने वाली है क्या? कमाल है, कुछ बोल ही नहीं रहा, इतना एटीट्यूड दिखा रहा। ये तो बस की आवाज है, लेकिन ये बस आ कहां से रही है? अरे चलिए चलिए, आगे चलिए, बस में चढ़िए। कमाल है, कोई हिल क्यों नहीं रहा है? अरे बॉस, मैम, आगे चलिए ना, बस में चढ़िए। अरे चलो ना यार, तुम भी तो भाग के आए। छोड़ो यार, देखिए मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और कोई बस आएगी। चलिए आप लोग भी आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ यार, मैं आ रहा हूं। अरे छोड़ो यार, मैं अकेला ही जाता हूं। कमाल है, मेरे अलावा और कोई बस में चढ़ा ही नहीं। ये क्या पूरी बस खाली? ये बस शहर तो जाएगी ना भैया? डरो मत, ये बस तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक पहुंचा देगी। अभी अभी तो यहाँ कोई नहीं था, अभी ये। हाँ ओके, वो सीट तुम्हारे लिए नहीं है, वो भी तुम्हारी नहीं है। कमाल कर रहे हो यार, पूरी बस खाली है, तुम कह रहे हो ये सीट तुम्हारी नहीं है, ये सीट तुम्हारी नहीं है। क्या क्या सीट नंबर क्या है मेरा? सीट नंबर 27 तुम्हारे लिए है। 27, पूरी बस खाली पड़ी है और 27। ये सारी खिड़कियां क्यों बंद रखी यार तुमने? यार ये खिड़की खुल क्यों नहीं रही है? छोड़ो यार, ये क्या गीला है यार? ये सीट गीली क्यों है यार? ये पानी, खून, टिकट। मुझे घर नहीं जाना, मुझे बस से उतारो, मुझे घर नहीं जाना, मुझे बस नहीं। यार ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या हुआ सना, किसका फोन नहीं लग रहा है? यार राहुल का, कब से बंद आ रहा है। अरे नेटवर्क नहीं होगा या फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। कल रात का निकल चुका है, अब तक तो घर पहुंच ही गया होगा वो। एक मैसेज तो कर ही सकता था ना। चल ठीक है यार, जब तू उसको मिलेगी ना तो उसके कान खींच देना, ठीक है? मुंबई मुंबई मुंबई। चलो अगर ये बस भी छूट गई ना तो आज भी हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। चलो चलो मुंबई मुंबई मुंबई।
हेलो जी जी, नमस्ते आंटी। हाँ, राहुल हमारे ही साथ था क्या? वो अब तक घर नहीं पहुंचा? लेकिन वो तो कल रात ही निकल चुका था आंटी। हाँ, वो तो लिफ्ट लेकर आने वाला था। आंटी आप घबराइए नहीं, उसका इंटरव्यू था ना, तो शायद वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए गया हो। जी हाँ आंटी, अगर वो मुझे कॉल करेगा तो मैं उससे कह दूंगी कि आपको कॉल करे। जी जी। कमाल है, राहुल अब तक घर नहीं पहुंचा। सना, ये तो राहुल की आवाज है, लेकिन राहुल यहां कैसे हो सकता है? मैं तो अभी अभी आई हूं। राहुल, राहुल तुम अंदर हो क्या? सना, राहुल देखो ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे डर लग रहा है। राहुल कहाँ हो? सना, राहुल तुम हो? राहुल वहां अंधेरे में क्या कर रहे हो? बाहर आओ ना प्लीज। तुम घर क्यों नहीं गए? पता है आंटी बहुत परेशान थी, तुम्हारा फोन भी ऑफ आ रहा था। रात होते ही तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई देंगी, उनका जवाब मत देना। आवाजें? कैसी आवाजें? उनकी तरफ मत जाना। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? नहीं, मैंने तो उसकी आवाज सुनी थी। अक्सर लड़कियां लड़कों को वेट कराती, पर मेरा तो पूरा केस ही उल्टा। इंतजार कौन करेगा? यामिनी। प्यार के हिंट्स कौन देगा? यामिनी। और प्रपोज कौन करेगा? यामिनी। और ऑर्डर कौन देगा मैडम? यामिनी। मेरा मतलब है मैं। दो कोल्ड कॉफी प्लीज। आप दो कोल्ड कॉफी पीएंगी मैडम? क्यों, नहीं पी सकती? नहीं नहीं, मैं समझा कि एक कोल्ड कॉफी आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए मंगा रही हैं। क्या हुआ सना, तुम फोन पे काफी डरी हुई लग रही थी। बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है विवेक। मैंने राहुल को मेरे घर में देखा। तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? तुम समझ नहीं रहे हो। उस रात वहां से निकलने के बाद वो अपने घर नहीं पहुंचा। मैंने उसे मेरे घर में देखा। तो क्या हुआ, वो अपने घर जाने के बजाय तुम्हारे घर आ गया होगा? ये कैसे हो सकता है? मेरे घर पे तो ताला लगा हुआ था, तो फिर वो अंदर कैसे गया? और अचानक वो मुझसे कुछ कहने लगा,
और कुछ कहते कहते अचानक गायब हो गया। क्या गायब हो गया? हाँ, और जब मैंने वहां जाकर देखा तो वहां राहुल था ही नहीं, खून था। खून? और जाते जाते उसने मुझे चेतावनी भी दी। चेतावनी? कैसी चेतावनी? उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन मैं उन आवाजों की तरफ ध्यान न दूं और किसी भी अनजान चीज के पास न जाऊं। आवाजें, अजीब चीज, मुझे लगता है सना जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा है। ये सपना नहीं था विवेक, इट इज ऑल ट्रू, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। कहीं ये किसी आत्मा का चक्कर तो नहीं? मुझे जाके उसे बात करना होगा। मैडम मैडम मैडम, आपकी कोल्ड कॉफी। थैंक यू जी। और कुछ लेंगे मैडम? नो थैंक यू। ओह गॉड। अरे क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? यहाँ पे एक लड़की बैठी थी साना, उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने गायब हो गया और उसे चेतावनी देकर गया। क्या? हाँ, मुझे लगता है कोई आत्मा का चक्कर है। आत्मा का चक्कर? शायद सना के बारे में यहाँ पर कोई जानता होगा। सुनो। हाँ सर। यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी सना, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? सना मैम जी, वो तो पास वाले बिल्डिंग में ही रहती हैं। वो पिकॉक टावर में। पिकॉक टावर जी। चलो, यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। पर वो वेटर ने तो यही एड्रेस बताया था। जरा सुनिए। जी कहिए। क्या सना यहीं पर रहती? जी हाँ, पर आज सुबह से वो घर पे नहीं है। क्या, आज सुबह से सना घर नहीं आई? हाँ, कल वो आई थी काफी दिनों के बाद, पर मैंने तो आज सुबह से ये घर पे ताला लगा हुआ देखा है। कोई बात? नहीं थैंक यू। हाँ, इट्स ऑल राइट। थोड़ी देर यहीं पर रुकते हैं, शायद वो वापस आ जाए। विवेक, मैं अपने घर वापस नहीं जाने वाली, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो राहुल की आत्मा वापस आ गई तो? हाँ सना, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं विवेक, तुम समझ नहीं रहे हो, वो राहुल को कुछ हो गया है। वो, मैंने वहां खून देखा, राहुल का खून। सना, तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है, इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे, ओके? अब तुम सो जाओ। विवेक प्लीज, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो वापस आएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना सना, कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है? तुम सो जाओ।
कैसे? ड्राइवर कहाँ चला गया? ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? तुमसे कहा था ना, आवाजों का जवाब मत देना, किसी अनजान चीज की तरफ मत जाना, बहुत बुरा होगा इसका अंजाम। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आगे मत बढ़ना, प्लीज मुझे छोड़ दो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.